700 रुपये वर्सेस 4000 फाउंडेशन, मेरे दिल को ना अटैक होने वाला है, मैं कहीं गिरने वाली, चक्कर खा के प्लीज मेरे को संभालो, बचाओ, पकड़ो। मतलब 700 में इतनी अच्छी चीज आ रही है, ब्रांड अपना नाम छापने का इतना पैसा क्यों चार्ज करते हैं? इसीलिए तो माशाल्लाह अमीर अमीर हो जाते हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, वो उनका नसीब रिजक है। 3 घंटे बाद भी इस फाउंडेशन के जो रिजल्ट और जो कमाल आते हैं ना स्किन पर, फाइनली जी मैं काशीस के फाउंडेशन का ड्यूप ले आई हूँ। और गेस करें आप लोग किस फाउंडेशन का मैं रिव्यू आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जो एक नंबर ड्यूप है ना इस काशीस के फाउंडेशन का, जो 4000 के करीब इसकी प्राइस हो चुकी है, ये हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। रिजल्ट्स नो डाउट बहुत अच्छे होते हैं। अब आपको जनाब 4000 खर्चने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने लेना है फाउंडेशन एमली का। और इसकी इतनी ज्यादा मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि आप प्लीज एमली फाउंडेशन का रिव्यू कर दें, आप लोगों की भरपूर रिक्वेस्ट पर मैं ये फाउंडेशन कब का खरीद कर ला कर रखी हुआ लेट लेट, तो फाइनली मैंने इसको ट्राई किया और मैंने 1-2 दिन पहले इसको ट्राई किया, इतने अच्छे मुझे रिजल्ट्स लगे, तो मेरे से सब्र नहीं हो रहा था कि मैं फटाफट से ना इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करूं। अच्छा सबसे पहले ना आप इसका एप्लीकेशन देख लो, नहीं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं आप बोर वीडियो बनाते हो, लंबी वीडियो बनाते हो, हम इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। मैं इसकी सारी डिटेल में आप लोगों को बताती हूँ कितने का है, कहाँ से मिलेगा, फटाफट से पहले इसकी आप लोग एप्लीकेशन देख लो। अच्छा जी सबसे पहले तो माशाल्लाह माशाल्लाह जरूर बोल दीजिएगा, मेरी स्किन कंडीशन काफी ज्यादा बेटर हो गई। और मैं कौन सी ब्रांड के प्रोडक्ट्स यूज कर रही हूँ ना, बीबीएन का रोज वाटर, इनका लाइट वेट मॉइस्चराइजर है, बहुत जल्दी ना इनका रिव्यू शेयर करूंगी। स्किन का अगर डेली हम मॉर्निंग नाइट में स्किन केयर करें ना, तो यकीन करें कि अगर आप थोड़ी सी भी चीज लगाते हो ना फेस पे, वो इतनी ग्लोई हेल्दी लगती है ना, और आपकी स्किन फाउंडेशन को, बीबी क्रीम को, सनब्लॉक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर जज्ब कर लेता है, ताकि आपकी रियल नेचुरल स्किन लगे। ठीक है, तो स्किन केयर इसलिए मस्ट 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 है, और उसके लिए भी मैं इंशाल्लाह बहुत सारे टिप्स आपके साथ फॉलो करूंगी कि मैंने अपनी एक्ने को ना कैसे कवर किया है। ये बीबीएन का सुपर लाइट मॉइस्चराइजर है, चाहे आपकी ऑयली स्किन है, कम्बिनेशन है, ड्राई स्किन है, जैसी मर्जी स्किन है, आप लोग जिंदगी में ये सोच लो कि जो हाइलरोनिक बेस्ड चीज है, जो मॉइस्चराइजर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सीरम्स तो हैं ही मस्ट आपकी स्किन के लिए। ठीक है, अगर आप 25+ हो गए हो, 30+ हो, तो सीरम्स बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा जी स्किन प्रेप हो गया है, अब मैं यहाँ पर एमली का फाउंडेशन सुपर स्टे 24 आवर तक ये क्लेम करते हैं। इसका ना पंप थोड़ा सा ख़राब आया, तो मैंने इसको इसके अंदर से बोतल निकाल कर थोड़ा सा स्वच्छ आपको दिखा रही हूँ, थोड़ा सा मैंने अपने हाथ के बैग पे ले लिया। कंसिस्टेंसी ना तो बहुत ज़्यादा कोई थिक है और ना बहुत ज़्यादा वाटरी रनी है, मीडियम सी है। और यहाँ मैंने अपने फेस पे आपको डिस्कलरेशन, एक्नी मार्क्स नज़र आ रहे हैं बिल्कुल लाइट से, और एक्नी स्कार्स भी काफ़ी हद तक ना माशाल्लाह मेरे बैटर हैं। डायरेक्ट फिंगर के साथ मैंने ये फाउंडेशन लगाई है, कोई करेक्टर नहीं लगाया ताकि मैं इस फाउंडेशन की कवरेज दे सकूँ, तो मेरी तरफ से ये जनाब 100% कवरेज दे रहा था, विदाउट किसी कंसीलर के, विदाउट करेक्टर के, मैंने अपने फेस पर ट्राई करके आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो यहाँ पर ना आप लोग एक टिप लेते जाओ कि अगर फिंगर्स के साथ, अपने हाथ के साथ अगर फाउंडेशन को पहले अपने स्किन पे अच्छे से ब्लेंड कर देते हो ना, और बाद में ब्यूटी ब्लेंडर का यूज़ करते हो, तो देखना आपका फाउंडेशन कितना फ्लॉलेस दिखेगा, वो जो लाइंस की ये चीज़ें नहीं आएंगी। और जब स्किन केयर करते हैं ना, तो आप देखो मेरी भी स्किन पर पोर्स हैं, मैं इस टाइम 30+ हूँ, लेकिन स्किन केयर करने की वजह से पोर्स मिनिमाइज रहते हैं, फाइन लाइन्स कम रहती हैं, तो आपका फाउंडेशन बड़े अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। यहाँ पर आपको साइड पर इसकी ग्लोई कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है, कि कितना ईजिली ये फाउंडेशन ब्लेंड हो रहा है। और सारा क्रेडिट वैसे इस फाउंडेशन के टेक्सचर को भी है, कि बहुत अच्छा इस ब्रांड ने यार बनाया हुआ है। रिसेंटली मैं जैसे न्यू फाउंडेशंस आपके साथ ट्राई कर रही हूँ ना, आप लोगों को इसके रिव्यूज शेयर करती हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा हो गया कि किसी भी फाउंडेशन को लगाने से मुझे फ़ौरन समझ में आ जाता है यार ये रियल में अच्छा लग रहा है, रियल में अच्छा नहीं लग रहा, ओनली कैमरे पर अच्छा लग रहा है। तो मैं सब कुछ आपके साथ ऑनेस्टली शेयर कर रही होती हूँ। और मैंने लाइफ में ये सेकेंड टाइम एमली का ये फाउंडेशन ट्राई किया ना, अब मैं इसका हटने का आपको प्रोसीजर बताऊँगी कि कोई भी फाउंडेशन कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है, कितना नहीं होता। अपने फेस पर लगाने के बाद, थोड़ी देर ड्राई होने के बाद ना, फिंगर के साथ जरूर जोर से इसको ऐसे प्रेस करना है, अगर तो वो फटाफट से हट जाए, जैसा कि मरियम परवेज का फाउंडेशन वेरी सॉरी पानी लगने से, फिंगर लगने से पूरे का पूरा अपनी जगह से हट जाता है, और वो 4000+ का है। और ये 700 में आप देख रहे हो कि मैंने अपने फिंगर से इसको हटाने का पूरा कोशिश की है, माइनर सा हटा है, जो वो माइनर सा इसमें हटने की नतीजा था ना, उसको हमने लूज पाउडर से फिक्स कर लेना है, बाकी ये खुद में फाउंडेशन भी ना पक जाता है, जम जाता है आपकी स्किन पर। इट्स मीन कि ये लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, 7-8 घंटे तक स्टे करेगा, क्रीस नहीं करेगा, स्वेट आए तो वो नहीं होगा। अभी ना ये 4-5 घंटे के बाद का मेरे ये वाला फाउंडेशन की कंडीशन आपको दिखा रही हूँ। रात हो चुकी है, मैं बच्चे लेने गई थी, मैंने ड्रेस चेंज किया है, मैंने वीडियो शूट करनी थी, और यहाँ पे इसकी ग्लो आप चेक करें यार, काशीस से ज़्यादा इस फाउंडेशन की ग्लो आ रही थी। फिनिशिंग भी इसकी बहुत ही खूबसूरत थी, काशीस का जो नंबर 14 सफायर फाउंडेशन है ना, उसका 01, ये एमली का 01 एक नंबर उसका ड्यूप है। और इसकी मैं कहती हूँ जितनी भी तारीफें करो कम है, किसी ने
स्पॉन्सर नहीं किया, किसी ने मेरे को एक रुपया नहीं दिया, बट मैं आप लोगों का 700 रुपये में इतने कमाल का फाउंडेशन के लिए खैर खां हूँ और ये सारा मैंने बोला है। तो मुझे याद है कि इस वीडियो के स्टार्ट में तो मैंने बताया ही नहीं, मैं हूँ ज़ैनब नुमान और मैं सेल्फ टॉट मेकअप आर्टिस्ट हूँ। आप लोगों के साथ प्रोडक्ट रिव्यूज, अफोर्डेबल मेकअप, पाकिस्तानी मेकअप, आई मेकअप लुक्स, मेकअप, इस तरह की चीजें शेयर करती रहती हूँ, ठीक है। और मेरे दो चैनल्स हैं, ये ज़ैनब नुमान ऑफिशियल है, इसमें मैं अपने फाउंडेशन का रिव्यू और डिफरेंट प्रोडक्ट्स का रिव्यू आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज की वीडियो में जैसा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था, एमिली फाउंडेशन का एक नंबर जो ड्यूप है काशीज का, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, ये बहुत ज्यादा सस्ता है। आप इसकी सारी एप्लीकेशन देख कर आए हो, मैंने लाइव आपको स्किन पे लगा कर दिखाया है और क्या ही इसके मक्खन मलाई वाले इसके रिजल्ट्स थे। अभी तक स्टिल 3 घंटे बाद भी ना, मैंने मास्क भी ऐसे फेस पर रखा हुआ, लिट ये यहां से भी मेरे नोज से जरा सा भी स्लिप नहीं हुआ हुआ, ये फाउंडेशन कहीं से नहीं हटा हुआ। बीच में बच्चे लेने भी गई हूं मैं और भी काम कर रही हूं, खाना भी खाया, कहीं होते ना क्रीसिंग आई हो, कहीं लाइन्स पड़ी हो, कहीं आंखों के नीचे कोई लाइन्स आई हो, अब देखो वैसे का वैसे सारा कुछ सेट है। और इसको मैंने मिस रोज के लूज पाउडर से सेट कर लिया था, मतलब 700 रुपए में एकदम परफेक्ट फाउंडेशन है। और जितना आप लोग मेरे से इसका रिव्यू मांग रहे थे ना, तो मुझे इस पर यकीन और भरोसा नहीं था, लिटरली बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि मैंने लोकल मार्केट से लिया, दराज पे भी अवेलेबल है। इसका शेड जनाब आपने 01 लेना है, अगर आपको मेरे जैसी फिनिशिंग चाहिए, मेरे हाथ से थोड़ी सी लाइट, थोड़ी सी फेयर में चाहिए ना, तो वैसे लोकल मार्केट में भी ये वाली पैकेजिंग में आपने लेना है। वैसे एमिली के और भी बहुत सारे फाउंडेशन आते हैं, लेकिन वो हट रहे थे, मैंने खुद ट्राई किए हैं, वो सब अपनी जगह से हट रहे थे। जो इस तरह की बोतल में ना, इस तरह की बोतल में ये सबसे अच्छा फाउंडेशन है, बिल्कुल अपनी जगह से स्लिप नहीं होता। मैंने इसको लाइव आपको टेस्ट करके दिखाया है, मेरे हाथ से मैंने इसको मेकअप वाइप से उतारा है, बहुत मुश्किल से, वाटर टेस्ट इसका रहता है, हम इसको वाटर और स्वेट टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा मैं इसको ट्रांसफर प्रूफ चेक करती हूँ, मैंने टिश्यू को टैप टैप करती हूँ मैं स्किन पर, ठीक है, बिल्कुल लाइटर से ये ट्रांसफर हुआ, ज्यादा ट्रांसफर नहीं हुआ। और देखो स्किन माथे पे आपको कहीं से नजर आ रहा हो, हटा ऐसा कोई सीन नहीं है, बल्कि जो मैंने रोज वाटर स्प्रे किया था ना, उससे एकदम और भी ज्यादा फ्लॉलेस सी लुक आ गई है। तो जनाब मेरी तरफ से ना ये वाला फाउंडेशन हाईलीस्ट रिकमेंडेड है। आज से अब आप लोगों को काशीज के फाउंडेशन पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोग एमिली का फाउंडेशन ले सकते हो, दराज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी। और ये आप लोगों की रिक्वेस्ट पर मेरे टेस्ट करने के बाद मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर किया है, ठीक है। और मैंने और की बोला थक गई बोल के, आप लोग देख सकते हो कि जब मैंने मास्क उतारा था, हाय कितनी सॉरी लग रहा, बहुत यार इतना अच्छा लुक आ रहा है ना, दूर से पूरे फेस पे भी इसका लुक बहुत ज्यादा अच्छा आ रहा है। ये हुआ था कि मेरा ना फेस, अपने स्किन का कलर बहुत ज्यादा डल हुआ है, बैक टू बैक बहुत ज्यादा काम करने की वजह से मेरा अपने पे ध्यान नहीं था, मैं आउट ऑफ सिटी भी गई थी, तो मेरा स्किन इतना ज्यादा डल हुआ था, लेकिन मैंने ना ये वाला फाउंडेशन लगाया तो मेरा एकदम फ्रेश हो गया, बहुत ज्यादा ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ये फाउंडेशन बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज नहीं हुआ। और मेरा स्किन ना, अगर आपकी स्किन डल हुई हो ना, तो फाउंडेशन लगाने से ना वो बड़ा गंदा सा लुक देती है, आपका बेस बड़ी फटी हुई गंदी सी ऐसे ना मिट्टी मिट्टी बेस लगती है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया। बट क्योंकि मेरी स्किन की कंडीशन काफी ज्यादा खराब थी, इस फाउंडेशन से जरा पता नहीं लग रहा कि मेरा कलर बहुत ज्यादा डल था, क्योंकि ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, अच्छे से बैठ गया, मेरी स्किन ने इस फाउंडेशन को एक्सेप्ट कर लिया। तो जनाब मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये वाला फाउंडेशन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी, दराज से आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हो। 700 रुपए में आज क्या आता है, आजकल कुछ भी नहीं आता। लाइक का बटन जरूर प्रेस करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय गाइस।